नमस्ते फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कटाची आमटी रेसिपी। पिछले ब्लॉग में मैंने आपके साथ शेयर की महाराष्ट्रीयन स्पेशल पुरनपोली, उसी को कंटिन्यू करते हुए मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कटाची आमटी, क्योंकि पुरनपोली के साथ कटाची आमटी और कटाची आमटी के साथ पुरनपोली का एक कॉम्बिनेशन होता है। जब ये थाली परोसते हैं तो पुरनपोली के साथ कटाची आमटी भी सर्व करते हैं, जिसके साथ आप राइस भी खा सकते हो और पुरनपोली का भी स्वाद ले सकते हो। इसीलिए ऑथेंटिक कटाची आमटी की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखा, हमने चना दाल को अच्छे से कुक कर लिया है। यहाँ पे मैंने यूज़ किया है 1 कप चना दाल। 1 कप चना दाल को 4 से 5 बार धोने के बाद आपको उसके अंदर 3 कप पानी ऐड करना है। सबसे इम्पोर्टेंट आपको एक टिप बताने वाली हूँ, जब भी आप चना दाल कुक करते हो उसके अंदर आपको ऐड करना है 1 टेबलस्पून ऑयल, जिससे हमारी जो दाल है वो मक्खन जैसे कुक होती है। 1 सीटी आपको हाई फ्लेम पे लेनी है और उसके बाद 15 से 20 मिनट के लिए आपको लो फ्लेम पे दाल को पकाना है। आपके प्रेशर कुकर के हिसाब से आपको दाल को इस तरीके से, आप देख सकते हो, इतना मैश हो जाएगा, इतनी आपको दाल अच्छे से कुक कर लेनी है। कुकर की पूरी नेचुरली स्टीम जाने के बाद ही आपको उसे डीप्रेशराइज करना है। कुक की हुई दाल को आपको छन्नी में ऐड करते हुए उसके अंदर का सारा पानी निकाल देना है। अगर सपोज़ आपका जो पूरा पानी है वो सोख हो गया हो तो आपको क्या करना है, इस दाल के अंदर थोड़ा सा 1 से 2 ग्लास पानी ऐड करना है और उसी के बाद आपको उसे छन्नी में ऐड करते हुए उसका पूरा पानी निकाल देना है। मतलब अगर आपके दाल ने पूरा पानी सोख कर लिया तो आपको उसके ऊपर पानी ऐड करना है और उसके बाद उसे छान लेना है, ताकि जो उसका सत्व है उस पानी में उतर जाएगा। वैसे भी हम 1 मुट्ठी दाल भी यूज़ करने वाले हैं। मैंने यहाँ पे पुरनपोली बनाई थी, इसलिए पूरा पानी निकालने के बाद इस तरीके से मैंने दाल को पीस लिया था, जो हम पुरन के स्टफिंग के लिए यूज़ करने वाले हैं। ये हमें कटाची आमटी के लिए नहीं लगने वाला। इस तरीके से गरम गरम होते ही दाल को आपको पीस लेना है और उसे पुरनपोली के स्टफिंग के लिए इस्तेमाल करना है। ये रेसिपी मैंने ऑलरेडी चैनल पर शेयर की है, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट कुछ ट्रिक्स और टिप्स बताते हुए मैंने ये रेसिपी शेयर की है। इस तरीके से पूरी दाल को आपको छान लेना है और थोड़ा सा 1 मुट्ठी होगा इतना आपको गोला निकालना है और हमारे इस पानी में ऐड कर देना है जो पानी हमने छान लिया था, या फिर दाल को आपको थोड़ा सा मैश कर देना है और उसके बाद उसे ऐड करना है। आप देख सकते हो, इस तरीके से मैंने अच्छे से पूरन को छानते हुए उसकी पूरन पुलिया बनाई थी। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, नरम और बिल्कुल फूली फूली हुई पूरन पुली मेरी बनके रेडी हो गई थी, जिसकी रेसिपी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दी है। इस तरीके से पूरन पुली होने के बाद आपको हमारे कटाची आमटे के लिए तड़का लगाना है। चने के दाल का जो पानी हमने निकाला था उसे कट कहते हैं और उसी से हमारी कटाची आमटी बनती है। यही कटाची आमटे की खासियत है, जिससे चना दाल का जो स्वाद होता है वो उसके अंदर चला जाता है और उसी के बाद हमने थोड़ी सी दाल को भी पीसते हुए उसके अंदर ऐड किया है, जिससे कटाची आमटी का टेक्सचर है वो थोड़ा सा गाढ़ा आता है। इसीलिए हम थोड़ी सी जो पूरन की दाल होती है वो हम उसके पानी में ऐड करते हैं, ताकि जो आमटी है थोड़ी सी गाढ़ी होती है और जो उसका टेस्ट है वो भी बढ़ जाता है। अब हम बनाते हैं कटाची आमटी के लिए मसाला। मैंने यहाँ पर लगभग 2 मीडियम साइज़ के प्याज को बीच में काटते हुए उसे डायरेक्ट गैस पे इस तरीके से रोस्ट कर लिया है। आप चाहे तो प्याज को नॉर्मल काटते हुए आपको तवे पे उसे सेक लेना है। इस तरीके से मैंने प्याज को पूरी तरीके से अच्छे से रोस्ट कर लिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे यूज़ किया है हरा धनिया और उसकी डंडिया, 10 से 12 लहसुन कलियाँ, 1 इंच अदरक टुकड़ा और मैंने 1/2 कप सूखे नारियल का पाउडर यूज़ किया है। अब इन सारों को हमें ग्राइंड कर लेना है, बिल्कुल फाइन पेस्ट हमें बनाना है। अदरक, लहसुन, प्याज को आपको तोड़ते हुए ऐड करना है, हरा धनिया, सूखा नारियल और लहसुन की कलियाँ आपको उसके अंदर ऐड करना है। और हाँ, अगर आपके पास हरा धनिया की डंडियाँ होंगी तो वो भी आप इस मसाले में ऐड कर सकते हो। पूरा जो नारियल है वो भी आपको उसके ऐड करना है। उसके बाद मैंने यहाँ पर ऐड किया है 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर। आप चाहे तो धनिया पाउडर और सूखा नारियल तवे पे पहले रोस्ट कर सकते हो और उसके बाद आप ऐड कर सकते हो, या फिर इस तरीके से आप डायरेक्ट भी ऐड कर सकते हो। अब मैंने यहाँ पे ऐड किए सूखे मसाले। बाद में सूखे मसाले ऐड करने से वो जल सकते हैं, इसलिए मैं हमेशा मसाले जब ग्राइंडिंग मसाला बनाती हूँ उसी के अंदर ऐड करती हूँ। लगभग 2 टेबल स्पून लाल मिर्ची पाउडर और 2 टेबल स्पून गर्म मसाला मैंने ऐड किया है। अब हमें उसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करते हुए मसाले को बिल्कुल फाइन पेस्ट बनाते हुए ग्राइंड कर लेना है।
आप देख सकते हो इस तरीके से आपको बिल्कुल फाइन पेस्ट मसाले का बना लेना है। चने के दाल का पानी भी रेडी है और मसाले भी रेडी है। बस ये दो स्टेप आपको करनी है और उसके बाद आपको सिर्फ उसे तड़का लगाना है। सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है, आप मसाला कितना भूनते हो उससे भी आपके कटाची आमटी का स्वाद होता है। इसीलिए आपको बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे मसाले को अच्छे से भून लेना है। यहाँ पे मैंने लगभग थोड़ा एक्स्ट्रा तेल ऐड करते हुए, मतलब 7 से 8 टेबलस्पून ऑयल ऐड करने के बाद उसी के अंदर मैंने ऐड किया है हमारा ग्राइंडिंग मसाला। जब आप ऐड करते हो तो आपको गैस की फ्लेम थोड़ी सी लो कर देनी है और उसके बाद आपको गैस की फ्लेम पूरी तरीके से हाई कर देनी है और हाई फ्लेम पे आपको मसाले को अच्छे से भूनना है। अगर आप कंटिन्यूसली स्टियरिंग करने वाले हो तभी आपको फ्लेम को हाई रखना है, अदरवाइज आपको मीडियम फ्लेम पे मसाले को भूनना है। आप देख सकते हो अब कलर कैसा है और बिल्कुल उसका जो कलर होता है वो अच्छे से भूनने के बाद डार्क ब्राउन हो जाएगा और जो तेल है वो भी एब्जॉर्ब हो जाएगा। तब तक आपको मसाले को अच्छे से भून लेना है। इस तरीके से आपको उसे कंटिन्यूसली स्टियर करते हुए मसाले को अच्छे से भून लेना है। आप देख सकते हो धीरे धीरे मसाले का जो कलर है वो चेंज होने लगा है और लगभग 10 से 12 मिनट के बाद मसाला पूरी तरीके से अच्छे से भून चुका है। जब मसाला पैन को नीचे चिपकने लगता है इसका मतलब होता है आपका जो मसाला है वो परफेक्टली कुक हो गया है। अब हम इसके अंदर ऐड करने हैं सूखे मसाले। गैस की फ्लेम को लो कर देना है, उसके बाद आपको उसके अंदर ऐड करना है 1/4 टेबलस्पून हल्दी पाउडर। यहाँ पे हमने ऑलरेडी रेड चिली पाउडर का इस्तेमाल पहले ही किया है लेकिन उसे तर्री आने के लिए यहाँ पे मैंने ऐड किया है 1/2 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, जिससे हमारे कटाची आमटी को अच्छे से तर्री आएगी। उसके बाद हमें उसे अच्छे से मिक्स कर लेना है और उसके बाद हमें उसके अंदर ऐड करना है पानी। पानी मतलब हमने जो चना दाल कुक की थी उसका जो पानी निकाला है वो हमें पानी से ऐड करना है, लेकिन उस पानी को आपको सबसे पहले अच्छे से मिक्स कर लेना है क्योंकि हमने कुक की हुई चना दाल को अच्छे से मसलते हुए उसके अंदर ऐड की थी। इसलिए आपको पानी को अच्छे से मिक्स कर लेना है और उसी के बाद आपको उसे मसाले के अंदर ऐड करना है। उसके बाद आपको जो ग्रेवी है वो कितनी पतली चाहिए उस हिसाब से आपको उसके अंदर एक्स्ट्रा पानी भी आप ऐड कर सकते हो। गर्म पानी ऐड करो या फिर नॉर्मल टेम्परेचर का पानी ऐड करो, लेकिन कटाची आमटी जनरली थोड़ी सी पतली ही होती है। अपने आप जो हमने चना दाल का थोड़ा सा पेस्ट उसके अंदर ऐड किया है उससे जो हमारी ग्रेवी है थोड़ी सी गाढ़ी हो जाएगी। स्वाद अनुसार नमक ऐड करने के बाद आपको उसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। अभी आपको लग रहा होगा कि इसे बिल्कुल भी तर्री नहीं है, लेकिन जैसे वो अच्छे से बॉयल होगी और हम लो फ्लेम पे उसे कुक करेंगे अपने आप देख सकते हो बाद में उसे कितने अच्छे से तर्री आ जाएगी। थोड़ा सा हरा धनिया ऊपर मैंने ऐड कर दिया है। अब हमें उसे हाई फ्लेम पे एक उबाल लानी है। हाई फ्लेम पे उबाल आने के बाद आपको इस तरीके से उसकी गैस की फ्लेम लो कर देनी है और उसे हाफ कवर करते हुए हमें 10 से 12 मिनट के लिए लो फ्लेम पे कुक कर देना है। इस तरीके से आपको हाफ कवर कर देना है और लो फ्लेम पे उसे 10 से 12 मिनट के लिए कुक कर लेना है और आपकी कटाची आमटी बन के रेडी हो जाएगी। फ्रेंड्स, आप देख सकते हो जो कटाची आमटी है उसे कितने अच्छे से तर्री आ चुकी है। लो फ्लेम पे रखने के बाद जो कटाची आमटी होती है वो कुक भी हो जाती है और उसे अच्छे से तर्री भी आती है। और क्योंकि हमने चना दाल को उसके अंदर मसलते हुए ऐड किया था उसी की वजह से जो हमारी ग्रेवी है वो भी अच्छे से गाढ़ी हो जाती है। इसे आप चावल के साथ भी खा सकते हो और पूरे पूरे के साथ भी उसे इंजॉय कर सकते हो। इस तरीके से हमारी कटाची आमटी बन के रेडी होती है। महाराष्ट्र में ये रेसिपी ज़रूर बनती है, जब भी पूरनपोली बनती है उसी के साथ ये कटाची आमटी तो ज़रूर बनती है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको कटाची आमटी की रेसिपी अच्छी लगी हो तो एक बार ज़रूर ट्राई करना महाराष्ट्र की पूरनपोली और कटाची आमटी। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। और इसी तरीके की महाराष्ट्र के कुछ रेसिपी हो या राजस्थान कोटा की कुछ रेसिपीज़ हो या फिर अलग अलग प्रांत की मैंने रेसिपी मेरे चैनल पे ऑलरेडी शेयर की है, आप एक बार मेरे चैनल को ज़रूर विजिट करना और सारी रेसिपी देखना, आपको ज़रूर पसंद आएगी। इस थाली में जो रेसिपीज़ है जैसे मिर्ची पकौड़ा है, पूरनपोली है, खीर बासुंदी है, इसी की रेसिपी मैंने ऑलरेडी चैनल पे शेयर की है जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आपको ये थाली ज़रूर पसंद आएगी। इस दिवाली में लक्ष्मी पूजन के दिन इस तरीके की पूरनपोली की वेज थाली बनाते हुए आप इस दिवाली को ज़रूर एंजॉय करना, आपको ये महाराष्ट्रीयन पूरनपोली वेज थाली ज़रूर पसंद आएगी। थैंक यू।